झालं चालू करतो झालं. सुरू करा. हा ना ठीक आहे. महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडळाचे संलग्न सातारा जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळ सातारा तथा सातारा तहसील हिंदी अध्यापक मंडळ के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में हम सभी छात्र अध्ययन का या सातारा तहसील की ओर से सदस्य स्वागत करते हैं. आज के परामर्शदाता शिवतील माध्यमिक विद्यालय समर्थ नगर आर्य की सौ सुषमा अशोक मसने. इन्होंने 23 साल का उन्हें अनुभव है. एक अच्छी तरीके से पाठशाला में ही हिंदी विभाग प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं. इसके साथ साथ सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल से 23 सालों से जुड़े हुए हैं. एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने जो वारे हमदर्द दसवीं कक्षा का जो पाठ है यानी पहली इकाई का जो वारे हमदर्द पाठ इसका उत्तरार्ध वे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं. मैं उन्हें विनती करता हूँ कि अभी शुरुआत करें. ठीक है सर जी. सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से चलाया जा रहा जो ऑनलाइन अध्यापन है उसमें हमें हम सब अध्यापकों को प्रेरित करने वाले हमारे पितामह गुरुवर्य ताका सूर्यवंशी जी तथा उनको हर एक काम में हर एक उनके उपक्रम में सहभाग लेने वाले सभी तहसील के पदाधिकारी तथा अध्यापक भाई बहन और सभी प्यारे छात्र मित्रों, वहारे हमदर्द इस पाठ का जो उत्तरार्ध है वो उत्तरार्ध आज हम देखने जा रहे हैं. कल हमने देखा है कि वहारे हमदर्द इस पाठ में जो घटना घटी हुई है इस घटना से लेखक ने जो उनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई है तथा उनके वह तो उस कारण बहुत उन्हें दर्द महसूस होने लगा है तथा उन्हें शारीरिक पीड़ा तो हो रही है लेकिन उस शारीरिक पीड़ा का वह दुख करते नहीं बैठे है तो उसका वह हास्य व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने उन्हें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण किया है. तो इस वहारे हमदर्द इस पाठ में देखिए हमें तो मालूम है कि अस्पताल में इलाज के लिए जब मरीज या बीमार जब भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए हमारे आसपास के स्नेह संबंधियों के तथा जो हमारे नजदीकी लोग हैं उनकी जो देखने के लिए उनकी जो रीग लग जाती है या देखने के लिए वह हर रोज कोई ना कोई आ ही जाता है. यह जो परंपरा है यह परंपरा बहुत ही पुरानी है. इससे मरीज जो है इस मरीज को बहुत खुशी मिल जाती है या उसे आनंद मिल जाता है और उसके कारण उसे जो शारीरिक दर्द है या उसे जो शारीरिक जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के लिए थोड़ी देर के लिए या थोड़ी समय के लिए उन्हें उसे राहत मिलती है. तो कुछ लोग मिलने वाले जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वह सच्ची हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं या उन्हें सच्ची हमदर्दी होती है इसलिए वह आ जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें देखने के लिए अस्पताल में आ जाते हैं तो उनके परेशानी का कारण बन जाते हैं. मतलब क्या करते हैं वह मैंने कल ही आपको बताया था कि अस्पताल में जब हम जाते हैं तो अस्पताल के कुछ नियम होते हैं
उन नियमों के अनुसार हमें अस्पताल में जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो मरीज के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, धीमी आवाज में बोलना चाहिए और मरीज के पास थोड़ी देर के लिए ही रुकना चाहिए। या मरीज को जब हम मिलने जाते हैं तो उन्हें फूल लेकर हम जाते हैं। फूल लेकर हम क्यों जाते हैं? तो फूल लेकर जब हम मरीज के पास जाते हैं तो फूलों को देखकर वह जो मरीज है उसका भी मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। तो यह सारी घटना, यह घटना घटने के बाद हम जब मरीज से मिलने जाते हैं तो कुछ लोग जो है वह परेशानी का कारण कैसे बन जाते हैं? तो वहां जाकर लोग उस मरीज को, वह बीमार जो आदमी है, बीमार जो व्यक्ति है, उसे परेशान कर देता है। और इस पाठ में जो घनश्याम अग्रवाल जी लेखक जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से तथा बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक रूप से इसका चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो निबंध में हमें यह दिखाया है कि यह जो निबंध है हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है और इस निबंध में दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया है कि निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला है। मतलब लोग एक दूसरे के प्रति होने वाला उनका जो प्रेम है तथा एक दूसरे के प्रति जो आस्था का भाव है, एक दूसरे के प्रति होने वाली जो आत्मीयता का भाव है, वह भी हमें यहाँ इस पाठ में दिखाया गया है। तो वही दूसरी ओर बड़ी ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी यहाँ चित्रित किया गया है। हमदर्द लोग जो होते हैं उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है? एक तो सचमुच हमदर्दी दिखाने आते हैं और एक लोग दूसरे लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उनके कारण बहुत ही पीड़ा तथा बहुत ही परेशानियां होती है। उस व्यक्ति को, उस बीमार को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो कल हम, मुझे लगता है कि पन्ना नंबर 11 से 11 से लेकर 12 तक जो परिच्छेद है उस परिच्छेद तक आए थे। यहाँ घनश्याम अग्रवाल जी जो है वह कहते हैं कि कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरों गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर में मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बता दे भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना, कह कर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखिए, इस परिच्छेद में तो यह बताया गया है कि अस्पताल में लोग जब मरीज को मिलने के लिए आ जाते हैं तो वह ठीक तरह से अपना, अपने जो रिश्तेदार है, अपना जो परि अपने जो संबंधी है वह कहाँ है, कौन से कमरे में है, इसकी ठीक तरह से जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। और इसका उदाहरण यहाँ बताया गया है। वो कहते हैं कि एक रिश्तेदार जो है वो गांव से जब मिलने आ जाते हैं तो ऐसे मिलने आ जाते हैं कि एक उदाहरण उन्होंने हमारे सामने बताया है कि
एक उदाहरण के तौर पर जो बताया गया है वो क्या है कि रिश्तेदार जब गांव से मिलने आ जाता है तो वो क्या करता है, कमरे के सामने ही टैक्सी जो है वो रुकवा देता है, और उसमें से निकल कर वो जो बीमार व्यक्ति है, जो अस्पताल में भर्ती कराया कौन है वो तो देखा ही नहीं उसने, और उसने क्या किया, उसकी छाती पर सिर रख, छाती पर सिर औंधा रख कर वह रोने लगा और कहने लगा कि हाय तुम्हें क्या हो गया। अब देखिए उसने देखा भी नहीं है कि यह हमारा ही रिश्तेदार है या हमारा ही सगा संबंधी है या मेरा मित्र है, ऐसा कुछ नहीं देखा है, और वह आकर पहले रोने लगा, उसने चेहरे को भी नहीं देखा, और वह कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, उस कार वालों का सत्यानाश हो जाए। मैंने दिल में ही कहा, मैं दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ है रोने के लिए। वो थोड़ी देर में मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, वह वैसे ही रोता रहा। फिर रोना कुछ जब कम हो गया तो उस वक्त उसने जब वह जो रिश्तेदार आ गया था उसने जब मेरी छाती से गर्दन हटाई तो उस वक्त मेरी आंख से जब उसने आंख मिलाई तो वह एकदम सा चुप हो गया। वो कैसे चुप हो गया कि उसे ऐसे लगा अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो हमारा रिश्तेदार नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो वो ठीक तरह से कौन से कमरे में है, अपना रिश्तेदार वही है, वो देखते भी नहीं है, और वहां जाकर अपना जो दिखावा है, औपचारिकता है, दिखावा जो है वह कर लेते हैं या दिखाते हैं। तो यहाँ भी वह उदाहरण बताया गया है, और वह एकदम चुप सा हो गया। फिर धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया। वो धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया हूँ तो दूसरे ही आदमी के पास आ गया हूँ, इसका उसे एहसास हो गया, और वो हंसने लगा और उसे वो कहने लगा कि मुझे माफ कर देना मैं गलत कमरे में आ गया है। आजकल से लोग ठीक से बताते भी नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, तो जिसे मिलने के लिए वह आ गया था उसका कमरा बगल में है, यह उन्हें पता चला और वह फिर से वहां चला गया। और यह कहकर वह जब चला गया तो पड़ोस के कमरा जो था, अभी जो भी उन्होंने इस कमरे में आकर जो भी बताया था या जिस तरह से उसने रोकर जो भी बात कही थी वह सब बाजू वाले कमरे से इन्हें सुनाई देने लगी, और उस आदमी का मुझे तो गुस्सा बहुत आ गया था, लेकिन मुझे किस बात का ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो मेरी पत्नी का ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरी पत्नी वहां बैठी थी। देखिए आपको मालूम है कि जब हम अस्पताल में होते हैं तो हमारे रिश्तेदार कोई ना कोई हमारे पास बैठा हुआ एक आदमी वहां रहता ही है, तो वैसे ही यहाँ इनकी पत्नी जो है वह उनके पास बैठी थी, लेकिन पत्नी को क्या मालूम कि यह इनका रिश्तेदार है या क्योंकि वह आते ही उसने रोना धोना शुरू कर दिया और उसने अपना मुंह जो है उसकी छाती पर उल्टा करके वह रोने लगा था, इसलिए उन्होंने देखा भी नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी को यह भी मालूम नहीं है कि वह उनका रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर उनकी पत्नी ने क्या किया कि बाहर जो खड़ी हुई टैक्सी थी, टैक्सी वाले के जो पैसे थे वो देने थे, वह जाकर यह व्यक्ति जो है वह रोता हुआ देखकर उसने जाकर उस टैक्सी वाले के पैसे दिए थे, इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो यह एक बात जो है वो हंसी व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने बताई गई है कि जब लोग उन मरीज से मिलने के लिए जाते हैं तो कितनी परेशानियां उन मरीजों को ही उठानी पड़ती है, इसका एक उदाहरण लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगला जो परिच्छेद है उस परिच्छेद में लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है,
श्री लपकानंद उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रंग। तो यह कविता उन्होंने सुनाई। अब देखिए, यह जो मिलने वालों का ताता है वह लगा ही रहता है, हर रोज लगा ही रहता है, और जो बीमार है और जिसे बहुत तकलीफ हो रही है उसे और भी तकलीफ देने वाले लोग उन्हें मिलने आ जाते हैं। तो हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आते हैं उनमें जरूर वे लोग आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत बार हमेशा हमें परेशान करते रहते थे या परेशान करते रहते हैं। ऐसे लोग भी हमें अस्पताल में मिलने के लिए आ जाते हैं। तो उनमें से कौन है? तो एक उनमें से एक हमारे जिनकी सूरत भी हम नहीं देखना चाहते, ऐसे भी लोग आते हैं उनमें है, हमारे शहर में एक कवि है, उनका नाम जो है वह नाम क्या है, देखिए, श्री लपकानंद। तो श्री लपकानंद जो है वह कवि है, वह खुद को कवि मानते हैं। वो सचमुच कवि है या नहीं वह हम देखेंगे। तो देखिए छात्रों, मुझे लगता है कि कवि के जो प्रकार होते हैं, कवि की कविताएं जो होती है, कविताओं में बहुत सारा अर्थ समाया हुआ होता है। जो सचमुच के कवि होते हैं वह कभी किसी को अपनी कविताएं यहाँ वहां जाकर सुनाने सुनाते बैठते ही नहीं रहते हैं। जो सचमुच के कवि वह ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो कवि के जो प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार ऐसा जो है वह सचमुच कवि होते हैं, जो किसी को अपने विचार जो होते हैं वह अपने विचार जो है वह बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों में उन्हें पिरो अपने विचार जो है वह बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोए हुए पिराते हैं या पिरे हुए लोगों के सामने पेश करते हैं। और ऐसे ही जो कविताएं है वह कागज पर उतार कर उनकी कविता जो है वह कविता सुनने के लिए जो श्रोतागण जो होते हैं वह बहुत श्रोतागण जो होते हैं वह बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। उनकी कविताएं सुनकर श्रोतागण जो है वह बहुत आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जो कविताएं सचमुच के कवि होते हैं उनकी कविताएं सुनकर हमें एक प्रकार की दिशा मिल जाती है, कुछ संदेश मिल जाते हैं। और दूसरे प्रकार के कवि जो होते हैं वह कैसे होते हैं? वह अंतकरण से कवि नहीं होते हैं। वह क्या करते हैं? तो जबरन कवि बन जाते हैं। कैसे जबरन कवि बन जाते हैं? तो वह क्या करते हैं, उनकी कविताएं कविता न होकर सिर्फ शब्द जो होते हैं वह उन शब्दों को वह कैसे भी लिख देते हैं, कैसे भी लिखते हैं, और उन उनको कोई अर्थ भी नहीं रहता है, उनकी शब्दों को कोई अर्थ भी नहीं रहता है, अर्थहीन लेखन वह करते हैं। वह ऐसे प्रकार के वह कवि होते हैं, मतलब वह सचमुच के कवि नहीं होते हैं, इसलिए वह इस प्रकार का लेखन करते हैं। और उनके श्रोता ऐसे कवियों के लिए कभी श्रोतागण भी नहीं मिल जाता है। उनकी कविता वे सुनने के लिए किसी भी लोगों को आनंद नहीं मिल जाता है। तो ऐसी कविताएं सुनाने के लिए ये दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं, जो सचमुच के कवि नहीं होते हैं, वह सिर्फ क्या ढूंढते हैं, तो हमारी कविताएं कोई तो सुन ले,
हम जोड़ तोड़ कर वह कविता तैयार करते हैं, और ऐसी कविताएं सुनाने के लिए वह कोई ना कोई श्रोता हमेशा ढूंढते रहते हैं, श्रोता की तलाश में वह लगे रहते हैं। और जब भी यह लेखक जो है, लेखक हमें कहते हैं कि यह ऐसे कवि है जो हमेशा हमें कविताएं सुनाने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन हमने कभी उनकी कविताएं नहीं सुनी है, तो ऐसी कविता सुनाने का अच्छा मौका उन्हें मिला है। अभी मैं उनकी कविताएं सुन ही लूंगा क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। अब वह ऐसा कवि उन्हें मिलने के लिए जब आ जाता है तो लेखक ऐसा कहते हैं कि अब यह मुझे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब वह सचमुच के कवि नहीं है, और उनकी बेतुकी कविता जो है, बेतुकी मतलब जिसका कोई तुक नहीं है, जिसे कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई लयबद्धता नहीं है, ऐसी कविताएं जिसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसी कविताएं सुनाने के लिए मजबूर हूं मैं कि ऐसी कविताएं मुझे सुननी पड़ेगी। और ऐसी कविता जो सचमुच के कवि होते हैं उनकी बहुत ही अर्थपूर्ण कविता होती है, उनके कविता उन कविता से हमें बहुत सुंदर ऐसा जो संदेश है वह मिल जाता है। लेकिन ऐसे कविता ऐसे जो कवि होते हैं जो सिर्फ शब्दों को कैसे भी जोड़ते हुए या जोड़ तोड़ कर कविताएं बनाते हैं, ऐसा कवि लबकानंद जो है वो अब मुझे मिलने के लिए आ गया है, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। और उसने यह कविता जो है वो सुनाना भी शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए वो कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ गया, मुझे बहुत काम था। नहीं, कसम से मैं आपको कहता हूँ कि रात भर मैं आपके बारे में ही विचार करता रहा। और क्या विचार करता रहा, और इसके संदर्भ में मैंने एक कविता भी लिखी है, यह उन्होंने कहा। और यह कहकर उन्होंने क्या किया, अपनी डायरी निकाली और डायरी से जो एक कविता है वो सुनाने भी लगे। अभी देखिए वो कविताओं जो कविता की पंक्तियां है वो हमने देखी है। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाली तेरी ही साइड की रंग। यह कविता हो गई क्या, यह कविता लगती है हमें, तो यह कविता उन्होंने उन्हें सुनाई। तो ऐसे श्रोता वह ढूंढते हैं हमेशा जो सच्चे कवि नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी मरीज को मिलने के लिए आ ही जाते हैं। और उन्हें मैं कभी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वह अस्पताल में अब मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ, उनकी कविता मुझे मजबूरन सुननी पड़ी। अब वह आके आगे देखकर वो कविता सुनाने के बाद वह जो कवि है वह क्या कहते हैं, देखिए उनका जो वर्तन है तथा वह किस तरह से उनकी लेख की तरफ देखते हैं वो देखिए। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा आप भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब देखिए उन्होंने कविता तो सुनाई, अब कविता सुनाने के बाद लेखक कहते हैं कि उसने मुझे यह कहा कि उसने इस तरह से मुझे देखा, कैसे देखा कि उसकी एक आंख जो है वह कहती है कि कहो कविता कैसी रही, कविता अच्छी थी ना मेरी, और दूसरी आंख क्या पूछ रही थी, तो दूसरी आंख पूछ रही थी कि हमेशा मैं जब तुम्हें कविताएं सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ जाता था तो तुमने मेरी कविता कभी भी नहीं सुनी है, मेरी कविता कभी भी नहीं सुनी है, अब तुम मुझसे कैसे भागेगा, अब तो तुझे मेरी कविता सुननी ही पड़ी ना। तो इस तरह से यह जो कवि है उसने कविता मुझे सुना कर ही चला गया। मैंने जल्दी से उसे चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उसे विदा कर दिया। विदा करना मतलब उसे अपने पास से
जाने के लिए कहना या उसे छोड़ना, या वह जाता है, वहां से चला जाता है, तो वह वहां से विदा हो गया। इस तरह से यह जो बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक जो पाठ है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है। तो इस तरह से हम तो यह अगला जो परिच्छेद है, उस परिच्छेद में वो कहते हैं, अंतिम परिच्छेद जो है, इस अंतिम परिच्छेद में कवि लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, वो हमें कहते हैं कि अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो आखिरी परिच्छेद में लेखक हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर मुझे अगर मेरी दूसरी टांग भी आपको तोड़नी है तो दूसरी टांग जरूर तोड़े, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित ना हो। मतलब जहां मेरा कोई परिचित ना हो, फिर परिचित का मतलब है जिससे जान पहचान हो। जहां मेरा कोई परिचित ना हो, जहां मुझे कोई जानता ना हो, ऐसी जगह मेरी टांग तोड़ना, क्योंकि यह जो मुझे मिलने के लिए जो हमदर्दी आते हैं वह बड़े ही बेदर्द होते हैं। उन्हें किसी भी बात का एहसास नहीं होता है कि मरीजों को मिलने के लिए जाते समय हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, तथा मरीजों से मिलने के लिए जाते समय हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह के यह जो हमदर्दी होते हैं, मतलब जो सहानुभूति दिखाने वाले लोग होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो बहुत ही बेदर्द होते हैं। इस तरह से यहाँ घनश्याम अग्रवाल जी जो है वह हमें बहुत ही सुंदर ढंग से तथा सुंदर तरीके से हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से हमें हमारे जीवन में भी हमेशा छोटी मोटी घटनाएं घटी रहती है, या हमारा जो दैनिक जो दिनक्रम है, हर रोज हम जिस तरह से हमारा जीवन यापन करते हैं, या हमारे दिनक्रम में जितनी भी छोटी मोटी घटनाएं तथा जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों से ही यह कवि तथा लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने हमारे आसपास के प्रत्येक स्थिति का या घटना का वर्णन जो है वह बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो हमें यह इस पाठ से यह सीख लेनी है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी भी पीड़ा, कितना भी दर्द हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। जो समय है वह किसी के लिए कभी भी रुकता नहीं है, समय जो है वह कभी भी रुकता नहीं है। जो अभी समय चल रहा है वह बीत जाने वाला है। मतलब जब भी कभी हमारे जीवन में पीड़ादायक प्रसंग आ जाते हैं या दुख भरे प्रसंग आ जाते हैं, उन दुख भरे प्रसंगों को हमें यहाँ अपने जीवन में हास्य से लेने के लिए प्रेरित किया है, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह से हमें यहाँ हास्यात्मक रूप से वाहरे हमदर्द इस पाठ के माध्यम से कवि ने परिचित कराया है। तो इस पाठ से हमें और एक प्रेरणा लेनी है कि यहाँ देखिए छात्रों, मुझे ये कहना है कि कृति पत्रिका में जब भी आपको कोई भी परिच्छेद इस पाठ का आ जाएगा, तो मैंने पहले ही आपसे बताया है कि जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ते समय उस पाठ का वाचन जो है, पाठ का पढ़ना जो है, वह समझ पूर्वक आपको करना है, ध्यान देकर करना है, क्योंकि कौन सा भी परिच्छेद आपको परीक्षा में, कृति पत्रिका में
आज आने वाला है हमें मालूम नहीं है, कौन सा परिच्छेद आने वाला है यह तो हमें मालूम नहीं है। हर एक परिच्छेद का हमें ठीक तरह से पठन करना चाहिए और उस पर कोई भी कृति क्यों ना पूछे, व्याकरण का प्रश्न क्यों ना, कौन सा भी प्रश्न क्यों ना पूछे, तो वह हमें लिखना आना चाहिए। तो इस पाठ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वमत है तथा स्वमत अभिव्यक्ति जो है, स्वमत अभिव्यक्ति कौन कौन से लिखने के लिए आ सकती है, तो स्वमत अभिव्यक्ति में ऐसे लगता है कि यहाँ पहली जो स्वमत अभिव्यक्ति है कि जब हम मरीज से मिलने के लिए अस्पताल में जाते हैं, तो मरीज से मिलने के लिए अस्पताल जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मतलब मरीज से मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये यह जो स्वमत अभिव्यक्ति लिखने के लिए इस पाठ पर आ जाएगी या कौन परिच्छेद जो है उस पर आ जाएगी, तो आपको क्या लिखना है। तो मरीज से मिलने के लिए जाते समय हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज से मिलने जाते समय हमें अकेले ही जाना है, ज्यादा लोग वहां न जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह क्या सोचेंगे, हम उनसे नहीं मिलने गए तो, इसलिए घर के सारे सदस्य उनको मिलने के लिए चले जाते हैं और उनकी और परेशानियां बढ़ाते हैं। इसलिए हमें यह विचार करना है कि जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, सचमुच की हमदर्दी दिखाने के लिए जाएंगे, तो उस समय हमें ज्यादा लोगों को मरीज से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो हमें यह देखना चाहिए कि मरीज से मिलने के लिए जाते समय किसी घर के एक ही सदस्य को जाना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी वजह से उन्हें कोई भी परेशानी न हो, हमारी वजह से उन्हें कोई भी कष्ट न पहुंचे, तथा जब हम अस्पताल में मरीज से मिलने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें छोटे बच्चों को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसमें देखा है हमने इस पार्ट में कि सोनाबाई जो है वो कितने बच्चों को लेकर अस्पताल में आ जाती है, चार चार बच्चों को लेकर अस्पताल में आ जाती है, और बच्चे जो होते हैं बहुत चुलबुले होते हैं, वो कभी एक जगह पर ठीक तरह से बैठते नहीं है, तो इसलिए बच्चों को कभी भी अस्पताल में लेकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम यह देखना है कि बच्चों को अस्पताल में न ले जाने का और एक कारण है, वह कौन सा कारण है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका स्वास्थ्य जो है उसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें भी अस्पताल में नहीं ले जाना चाहिए। देखिए मरीज को जब हम देख के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इस पर हमें यह देखना है कि जब भी हम मरीज से मिलने जाते हैं तो वहां जाकर हमें उन्हें कोई भी सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। उन्हें जो अस्पताल में डॉक्टर दवाइयां देते हैं, उन्हें जो अस्पताल में डॉक्टर दवाइयां देते हैं उसके बारे में आपको कोई भी सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। और जो मरीज होते हैं वहां जाकर हमें उनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उनका दिल दुख जाए या उन्हें कोई दर्द पहुंचे, तो उन्हें जो आराम पहुंचे या उन्हें जो आनंद देने वाली बातें हो ऐसी बातें करना चाहिए और ज्यादा भी उनके साथ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए और एक बात है कि मरीज से मिलने जाते समय हमें उनके जो मरीज होते हैं उनके पथ्य तथा उनकी दवा उनकी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उनके पास ज्यादा बैठना ही नहीं है, हमें जोर जोर से उनके पास जाकर बोलना नहीं चाहिए, तथा उनकी जो बीमारी है उस बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमने यह देखा है कि जब भी हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि जब हम उस मरीज को मिलने के लिए अस्पताल में जाते हैं तो पहले क्या कहते कि अरे वो ऐसा ऐसा हमारे पास हमारे आस पास में रहने वाला एक व्यक्ति था, उसे भी इस तरह की बीमारी हो गई और वो टपक पड़ा, तो वह जो बीमार व्यक्ति है वो घबरा जाएगा ना आपकी ऐसी बातों से,
तो यह भी सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि जब हम मरीज को मिलने जाते हैं तो उस वक्त ऐसी जो बातें हैं वह नकारात्मक बातें जो है वह नहीं करनी चाहिए। तो वहां जाकर हमें उनका उत्साह बड़ा बड़ा देना चाहिए, उनका हौसला बड़ा देना चाहिए और उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। इस तरह के जो आपके शब्द है वह शब्द उन्हें जल्दी ठीक करा देंगे। तो इस प्रकार हमें सावधानियां बरतना चाहिए। तथा बहुत सारे लोग जो होते हैं, अभी हमने बताया है कि सोनाबाई जो होती है शको शकुन अपशकुन की जो बातें करती है, ऐसी बातें हमें मरीज के पास जाकर कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें जब भी हम कभी यह हमें सीखना है, इस पाठ से हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। देखिए जो लेखक है कवि है इन्होंने हमें इस पाठ से परिचित तो कराया है, लेकिन इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने इस पाठ से क्या सीखा है, कि हमने इस पाठ से यह सीखा है कि जब भी हम मरीज से मिलने जाएंगे तो उस वक्त किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ बातें करते समय हमें किस तरह से बातें करनी चाहिए। तो यह भी हमने इस पाठ से सीखा है। स्वमत लिखते समय इस तरह का सवाल जब आ जाएगा तो आप अपने हिसाब से या अपने वाक्य रचना करके वह बहुत सुंदर ढंग से इसका जो स्वमत है वह लिख सकते हैं। और स्वमत क्या हो आ सकता है, तो सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। देखिए छात्रों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे अस्पताल होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे अनगिनत ऐसे अस्पताल है, परंतु आधी से अधिक जनता जो है वह सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। इन सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं उन सार्वजनिक अस्पतालों की जो हालत है बहुत ही आजकल दयनीय है, ऐसी है। तो सार्वजनिक अस्पतालों में होने वाले बहुत सारी मशीनें जो है वह अच्छी तरह से नहीं है, उनकी बहुत सारी दयनीय ऐसी अवस्था हो गई है। तथा जितने भी मशीन है वह ठीक तरह से अभी नहीं चल रहे हैं। तथा गरीबों को वहां इलाज के लिए गरीब जो लोग जो होते हैं उनको इलाज के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सार्वजनिक अस्पतालों पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर भी समय पर नहीं मिलते हैं, और डॉक्टर मिल जाते हैं तो कभी कभी दवाइयां नहीं मिल जाती। इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, ऐसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। मरीजों को कभी कभी सार्वजनिक अस्पताल में जब दवाइयां नहीं मिलती है तो उन्हें कभी कभी महंगे दामों पर दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं वहां की स्थिति इस प्रकार की होती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सार्वजनिक अस्पताल में होने वाले जो कर्मचारी होते हैं वह मरीजों के साथ कभी कभी बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। ऐसे तो हमें इस पाठ से यह देखना है कि सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति किस प्रकार की होती है। सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं वो सार्वजनिक अस्पताल हमारे देश में उनकी जो दयनीय अवस्था है उसका विचार करके हमें इसका जवाब हम लिख सकते हैं। स्वमत में इसका जवाब हम लिख सकते हैं, सार्वजनिक अस्पतालों की दयनीय अवस्था। हम भी कभी कभी सार्वजनिक अस्पताल में गए हुए हैं तो वहां आया हुआ जो अनुभव है या अनुभूति हमें वहां मिली है उसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी चाहिए। तथा और एक बात हमें इस पाठ से सीखना है कि शकुन अपशकुन की जो बातें हैं वह हमारे दिमाग में नहीं लानी है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधश्रद्धालु होते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही हमें इससे यह सीख लेनी है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, शकुन अपशकुन ऐसा कोई भी नहीं होता है। तो ये जो प्रचलित जो एक अवधारणा है
इस अवधारणा से हमें क्या करना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। हमें इससे यह सीख लेनी है कि यह जो शकुन अपशकुन कुछ भी नहीं होता है, जो है वह वास्तव है, जो है वह वास्तव है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान के बल पर हमें, अब देखिए विज्ञान हमारा जो भी आज हम जितने भी खोज तथा बहुत सारी जो हमने आज देखा है कि सारे जगत में बहुत सारी प्रगति हो गई है, हर एक क्षेत्र में हो गई है, तो वह कौन से बलबूते पर हो गई है, तो विज्ञान के बलबूते पर हो गई है। तो विज्ञान को सामने रखते हुए हमें यह सोचना चाहिए, हमें यह विचार करना चाहिए कि कोई भी दवाइयों से बीमार जो है वह ठीक हो सकता है, लेकिन शकुन अपशकुन की बातें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमने देखा है कि अपने विचार हमें वह प्रस्तुत करना है। हम जानते हैं कि हमारे देश में शकुन अपशकुन को मानने वाले लोगों की संख्या जो है वह अनगिनत संख्या है। तो हमें इससे यह सीखना है कि इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, यह भी हम लिख सकते हैं। तथा और भी एक बातें है कि कवियों के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आपके जो विचार है वह आपको लिखने हैं। कवि जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, सच्चे कवि कौन है, तथा जो सिर्फ दूसरों को कविताएं सुनाते हैं वो कवि नहीं होते हैं, सच्चे कवि दूसरों को कभी भी कविताएं सुनाने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार के स्वमत जो है वह आप लिख सकते हैं। अब सभी छात्रों से मुझे ये कहना है कि यहाँ जो भी स्वाध्याय है, इस पाठ पर दिया गया जो स्वाध्याय है, वो सब छात्र अपने ढंग से छुड़ाएंगे या वो पूरा कर देंगे। इसमें जो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए वह आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है संजाल पूर्ण कीजिए, वह अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। परिच्छेद पढ़कर पहला प्रश्न ऐसा है कि मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, तो आप वह ठीक तरह से लिख सकते हैं। दूसरा जो है अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए में क्या है, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, उसमें होने वाला जो फर्क है, प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वह आप लिख सकते हैं। आगे क्या बताया, देखिए आकृति में लिखिए, तो आकृति में क्या बताया गया है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, सोनाबाई जो है वह चार बच्चों को साथ लेकर आ गई है, तो चार बच्चों ने क्या क्या शरारत की, तथा चार बच्चे जो है वह ठीक तरह से जगह पर नहीं बैठे, वह क्या क्या करते रहे, यह हमें वहां बताना है। अगला जो है वह कारण लिखिए, कारण के लिए लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्यों आया, इसका कारण आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कारण के लिए, वह है लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो, ऐसा क्यों कहते हैं लेखक, इसका कारण आप ठीक तरह से लिखेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगला प्रश्न जो है वह शब्द बनाइए, तो उपसर्ग तथा प्रत्ययुक्त शब्द आपने देखे हैं, नवीं कक्षा में भी हमने पढ़े हैं कि एक शब्द वहां दिया गया है वो कौन सा शब्द है, तो दर्द, दर्द का उपसर्ग युक्त शब्द क्या हो जाता है, प्रत्येक शब्द क्या हो जाता है, यह आपको ढूंढना है। देखिए छात्रों, हम तो सिर्फ मार्गदर्शक का काम करते हैं, आपको वह ढूंढना है। अगला जो शब्द है वह कौन सा है, निश्चित है, तो निश्चित शब्द के लिए उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है और प्रत्येक शब्द कौन सा है, वह भी आपको ढूंढना है। आगे मैंने अभिव्यक्ति में अभी अभी मैंने बताया था कि मरीज से मिलने जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी। अब अगला भाषा बिंदु की ओर जाते हैं, पृष्ठ क्रमांक 14 पर। तो भाषा बिंदु में हमें यहाँ पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार का है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। छात्रों, हमने
संज्ञाओं के भेद पड़े हैं। मुझे लगता है छठी कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा में ही हमने संज्ञा शब्द पढ़ा था। तो संज्ञा के भेद जो है छठी सातवीं आठवीं और नौवीं तीनों चारों कक्षाओं में भी हमने संज्ञाओं के भेद देखे हैं। तो संज्ञाओं के भेद जो है वह आपको लिखना है। संज्ञा शब्द तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और संज्ञाओं के भेद भी आप लिख सकते हैं। तो पहला जो वाक्य है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि पहला जो वाक्य है वह है, सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई। इस वाक्य में दो संज्ञाएं है, पहली संज्ञा जो है वह सोनाबाई और दूसरी संज्ञा जो है वह बच्चों। तो पहली संज्ञा जो है सोनाबाई, उसका भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरे दूसरा शब्द जो है वह है बच्चों। तो बच्चों यह शब्द जो है उसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपको बाकी सारे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को, वाक्यों में दी गई संज्ञाओं के प्रकार जो है उन संज्ञाओं के प्रकार को ढूंढ कर या आपको समझ कर लिखना है, शब्द ढूंढना है उन वाक्यों में दिया हुआ कौन सा शब्द है संज्ञा शब्द वह पहले ढूंढना है, और संज्ञा का जो प्रकार है वह भी आपको समझकर लिखना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रश्न है वह क्या दिया है, दूसरा प्रश्न जो है वह है पाठ में प्रयुक्त किन्हीं पांच संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो किन्हीं कौन सी भी पांच संज्ञाएं आपको पाठ में से ढूंढना है, और पाठ में से संज्ञाओं को ढूंढ कर क्या करना है उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वह कौन सा है, तो तीसरे प्रश्न में हमें यह देखना है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए जो सर्वनाम है, निम्नलिखित वाक्यों में सिर्फ वाक्य दिए हैं उनमें सर्वनाम जो है वह नहीं दिए हैं, तो सर्वनाम देखिए छात्रों, आपको व्याकरण का हिस्सा जो है वह पांचवी कक्षा से लेकर नौवीं कक्षा तक हमें जो भी पढ़ा है वह सब आने वाला है। इसलिए संज्ञा के भेद तथा संज्ञाओं के प्रकार, नाम सर्वनाम विशेषण, यह सब आपको ध्यान में रखना है तथा इसकी जानकारी हमें दसवीं कक्षा तक या आगे भी वह हमें ध्यान में रखना है। तो सर्वनामों का प्रयोग इन वाक्यों में करना है, जैसे कि पहला वाक्य मैं यहाँ बताऊंगी, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, तो वहां कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो वहां पहला सर्वनाम जो है वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। इस प्रकार के बाकी सारे जो वाक्य है उन वाक्यों में आपको क्या करना है, सर्वनामों का प्रयोग करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न जो है, उस चौथे प्रश्न पर इस प्रकार दिया गया है कि पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि मैंने, तुझे, वे, कोई, आप, मुझसे, उन्होंने, मुझे, इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, ऐसे और सर्वनाम होंगे, ऐसे सर्वनाम आपको क्या करना है, ढूंढना है और उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना है। इस तरह से भाषा बिंदु में जो भी प्रश्न आए थे उस पर भी हमने यह चर्चा की है। अगला जो है वह है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के बारे में भी यह निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। तो वहां मुद्दे दिए गए हैं और इन मुद्दों के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, वृत्तांत लेखन करना चाहिए। हमने नौवीं कक्षा में भी देखा है कि वृत्तांत लेखन किस तरह से किया जाता है। तो वृत्तांत लेखन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, तो स्थान तथा तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, उनका नाम, समारोह कौन सा समारोह है, किस लिए आयोजित किया है, और अतिथि जो है वह क्या संदेश देते हैं, और उसका समापन। तो वृत्तांत लेखन भी हमें करना है। और इस पाठ में आए हुए जो भी लेखनीय तथा संभाषणीय है और श्रवणीय तथा पठनीय में जो भी यहाँ दिया गया है वह हमें पूरा करना है तथा उस पर हमें क्या करना है,
अमल करना है। देखिए श्रवणी में हमें यह दिया है कि सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज से उसके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में लिखिए। सार्वजनिक अस्पताल में हमें जाना है या हम गए गए होंगे, बहुत बार गए होंगे, तो सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज से क्या करना है, तो उनके अनुभव सुनना है, उन्हें किस तरह के अनुभव आए हैं वो सुनना है और अपने शब्दों में उसे हमें व्यक्त करना है। पठनीय में जो दिया है वो देखिए जरा, अस्पताल में लगे सूचना फलक तथा विज्ञापनों को पढ़िए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है, तो मैंने पहले ही बताया था, पाठ पढ़ाते समय पहले ही बताया था कि अस्पताल में बहुत सारी सूचनाएं लगी हुई होती है तथा सूचना फलक जो होते हैं वो लगाए दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी लोगों का या कौन भी वहां देखता नहीं है। वहां लगाए हुए सूचना फलक जो होते हैं वो सूचना फलक कोई भी पढ़ता नहीं है और उसी तरह से रहता नहीं है, तो हमें भी क्या करना है, तो अस्पताल में लगे हुए सूचना फलकों की सूची बनाना है। हम सूची बना सकते हैं कि अस्पताल में कौन कौन से सूचना फलक लगाए हुए होते हैं तथा विज्ञापन जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के अस्पताल में विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को अलग अलग प्रकार के डोज दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को जो टीका लगवाया जाता है उसका भी विज्ञापन दिया जाता है, तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापनों को भी आपको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। आप तैयार कर सकते हैं, विज्ञापन किस तरह से लिखना है यह आपको मालूम है, तो इस तरह से पत्नी में जो बताया है वह भी हम कर सकते हैं। तथा हमारे गांव में पंचायत की सभा जब होती है तो उस वक्त देखिए छात्रों, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस शरीर के प्रत्येक अवयव तथा जो हमारा अंगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अवयव जो होता है किसी दूसरे को उपयोग में आ जाए तो यह बहुत बड़ी बात है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो जब गांव की या ग्राम की पंचायत होती कि पंचायत की जब सभा होती है उस सभा में आपको अंगदान के बारे में अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करने चाहिए कि अंगदान करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक जो अवयव है या हर एक जो हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे गुजर जाने के बाद वह किसी के उपयोग में आ जाए या उससे किसी का जीवन जो है वह आगे जाकर आसान बन जाए, तो हमें अपना अंगदान जो है वह करना चाहिए। तो यह भी हम संभाषणीय में तथा इससे यह भी सीख ले सकते हैं कि हमारे शरीर का हर एक अवयव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है वह लेखनीय में हमें क्या देखना है, तथा लेखनीय से हमें यह देखना है कि हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त होता है, हमारा शरीर किस पर निर्भर है या चलता रहता है, तो हमारा शरीर रक्त पर चलता रहता है, तो ब्लड बैंक जो होती है, रक्त की बैंक जो होती है, उस बैंक में रक्तदान करना कितना श्रेष्ठ है। रक्तदान जो है वह सर्वश्रेष्ठ दान है, वह इसका इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए और रक्त बैंक के कार्य तथा उनका जो कार्यक्रम होता है इस कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है, जानकारी हासिल करनी है। तो इस प्रकार यहाँ इस पाठ के माध्यम से देखिए छात्रों, मुझे ऐसा लगता है कि लेखक जो होते हैं, कवि जो होते हैं, सिर्फ हमें पाठ यहाँ कृतियां देने के लिए तथा अंक प्राप्त करने के लिए नहीं देते हैं, तो भाषा विषय ऐसा विषय है, तो भाषा विषय से हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारा जीवन जो है वह कैसे सफल हो जाए, हम जीवन में
कितनी भी हमें जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उन मुश्किलों से हम आगे कैसे बढ़े, यह हमें भाषा विषय सिखाते हैं। तो इस प्रकार यह इस पाठ से हमने बहुत सारा तथा इस पाठ का जो उद्देश्य है, लेखक ने हमें इस पाठ के उद्देश्य से जो भी परिचित कराया है, तो मुझे लगता है कि हम इससे बहुत सारी सीख लेकर यह पाठ हमने पढ़ा है। तो वहरे हमदर्द इस पाठ से हमने बहुत सारी जानकारी ली तथा इससे हास्य आनंद अपना जीवन यापन किस तरह से करना चाहिए तथा बहुत सारी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कैसे हंसी मजाक से लेना चाहिए यह भी सीखा है तथा समाज में जो भी अंधश्रद्धा है उसे कैसे दूर करना चाहिए, यातायात के नियम जो है उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, अस्पताल के बारे में जानकारी यहाँ हमने ली है तथा जो भी यहाँ अस्पताल की कार्य प्रणाली तथा उसके जो नियम है उसके बारे में भी हमने यहाँ देखा है, और हमारे शरीर हमारा शरीर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है यह भी हमने देखा है। तो इस प्रकार यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त हो गया। शुक्रिया, धन्यवाद। सर जी आप समापन कर दीजिए सर। हाँ, वो आने दो। बंद कीजिए। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आयोजित सातारा तहसील की ओर से यूट्यूब पर ऑनलाइन अध्यापन कालावश के लिए आज सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के सदस्य और आज के परामर्शदाता जो स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय समर्थ नगर आरे में गत 23 सालों से काम कर रही है या अध्यापन का काम अच्छी तरह से कर रही है वो हमारी बहना सो सुषमा अशोक मछली जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ वारे हमदर्द के जो पाठ है ये पाठ का प्रस्तुतिकरण किया है। यह हास्य व्यंग निबंध जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से अवगत किया है, यानी हम देखते हैं कि हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो स्वाध्याय है ये स्वाध्याय उपक्रम इसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी है। धन्यवाद मैडम जी, मैं सातारा तहसील की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे परमित्र बासिद विद्यालय गोगांव के प्रधानाचार्य श्रीमान हरास रोशी जी, आपका तो योगदान बहुत ही बड़ा है और उसके साथ साथ आपके जो सहकारी अशोक शेवाड़ेकर जी वो तंत्र श्रेणी अध्यापक है, आपका भी बहुत बड़ा यह काम किया है। मैं सातारा तहसील की ओर से आप सबको यहाँ धन्यवाद देता हूँ और ये कालावंश यही समाप्त हुआ ऐसा मैं आपको सूचित करता हूँ।